वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ, फिर से ऐसे जैसे रोज उठती हूँ। सो अभी 11 o'clock हो रहे हैं। सो मैं अभी उठी हूँ। सो अभी अपने दिन की शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट से। चलो फिर छत पे चलते हैं। पहले तो अभी नीचे बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, सो अभी चलते हैं मैं छत छत पे पे। पहुंच चुकी हूँ और मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। ब्रेकफास्ट में आज मम्मा ने मिक्स वेज की सब्जी थी और साथ में चपाती थी। एज यूजल चपाती तो रोज होती है, मीन्स सिर्फ हॉलीडेज पे मम्मा के परांठे बनते हैं या फिर कुछ स्पेशल। सो वो तो मिक्स वेज थी और साथ में हल्का वो खाया मैंने अभी। और अब थोड़ी देर स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद नहाएंगे, फिर मिलते हैं, शॉर्ट बनाएंगे ना। फिर शॉर्ट भी मैंने 2 दिन हो गए शॉर्ट नहीं बनाया मैंने दूसरे चैनल के लिए। अभी टाइम मिलता है तो करते हैं, फिर पहले पढ़ते हैं फिर नहाएंगे फिर करते हैं शॉर्ट बनाती थी। और मैं अपना हिंदी का होमवर्क कर रही थी। सो अभी मेरे को अंकुश ने आवाज मार के बुला लिया और कह रहा है कि ये कहते अपने ना ब्रेड पे वो जो सैंडविच बनाना था उसको मैंने सैंडविच बोला बनाने को। सो वो अब मेरे को कह रहा है कि अगर सैंडविच खाना है तो ब्रेड पे सॉस भी लगानी पड़ेगी। तो अब मैं सॉस लगा रही हूँ ब्रेड पे, कैचअप पूरा स्प्रेड करके। तो कह रहा है अगर तुझे खाना है तभी लगाइयो, कहता ऐसे नहीं तो मैं केला खा जाऊंगा, तो इसलिए मेरे को लगाना पड़ रहा है। ब्लैकमेल करा है उसने मेरे को, तो अब वही लगा रही हूँ। अब वो नहाने गया हुआ है, सो साइड बाय साइड मैं कार्टून्स देख रही हूँ। अभी कैचअप लगा रही थी मैं, और ये देखो कार्टून चल रहा है साइड बाय साइड। मैं तो पूरा एंजॉय कर रही हूँ। अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, सो अभी मैं जा रही हूँ नहाने। सो मैंने अभी गीजर ऑन किया है, सो अभी नहाने जाते हैं। फाइनली नहा के आ चुकी हूँ। सो ये देखो मेरी किस्मत, जब भी छत पे आई नहा के उसी टाइम धूप गायब। सो इतनी ठंडी हवाएं चल रही है ऊपर। वैसे नहाने के लिए गई थी थोड़ी देर के लिए, और धूप चलेगी सारी। अब वापस नीचे जाते हैं, पहले कपड़े उठा लेते हैं ऊपर से, मम्मा भी आने वाली है तो कपड़े उठाते हैं और चलते हैं नीचे। सारे कपड़े देखो मेरा बेड कितना अनटाइडी लग रहा है, सो इसको भी सेट करना पड़ेगा। मम्मा आने वाली है, डांट पड़ जाएगी, डांट पड़ जाएगी, डांट पड़ जाएगी। सो फटाफट चलते हैं, अपना बेड सेट करते हैं। और फिर एज यू नो न्यू ईयर आ रहा है, सो ये वाला रूम भी सेट करना है, लास्ट रूम। और सब कुछ काम मैंने ये मैंने और सब कुछ काम मैंने ही करना है, सारा का सारा काम मेरे सिर पे। और ये देखो महाराज जी यहाँ सो रहे हैं, ये देख रहे हैं आपको कैसे बच्चों की तरह सो रहा है। अपनी तो किस्मत ही खराब है। मैंने तो मम्मा को बता देना ये सो रहा था, मैं काम किया सारा, क्रेडिट मैंने ले लेना। फिर मेरे को क्या कितना काम करना है, करते हैं स्टार्ट। पहले बेड ठीक करना स्टार्ट करते हैं। ऐसे देखो मेरे बेड की हालत बहुत ही बुरी हालत में है ये, सो ठीक करते हैं इसको। सबसे पहले क्विल्ट, तो क्विल्ट सबसे ज्यादा ना मुश्किल है पहले बना, हर बार मेरे से यही ठीक से लगती, बहुत भारी है। ये क्या हो गया इसको, इसकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं, कुल की सारी बोन ऊपर नीचे हो रही। मम्मा खुश हो जाएगी कि मैंने सारी सेटिंग की है। अच्छा है सारा कर दूंगी। चलो आज बेडशीट भी चेंज करनी है। बाहुबली, चलो बेडशीट, ये वाली बेडशीट डालते हैं। कौन से डालते हैं इसको, ये डालते शायद से साइड, क्या भूल भी लगी। अच्छा जा चलो। तो कितना काम करती हूँ मैं, तब भी सारे बोलते हैं कुछ काम नहीं करती। कितना तो काम कर देती हूँ मैं अगर दिन वाले पे आ जाऊँ तो कितना काम करती हूँ।
चलो क्या कर सकते हैं, इट्स माय लाइफ, इट्स नाउ और नेवर। एक साइड तो हो गया, अब दूसरी साइड। हमारा बेड सेट हो चुका है। सो अभी सिर्फ बेड ठीक हुआ है, अभी चेयर्स से जितने भी कपड़े हैं मेरे वो मेरे को उठा के तय लगाने हैं। चलो वो करते हैं अब। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी चेयर वाली सेटिंग की जर्नी। चलो सबसे पहले ये शिफ्ट करते हैं सबसे पीछे वाले रूम में। आयो कितना काम करना पड़ेगा। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि मैं ऐसी लुक क्यों दे रही हूँ, क्यों दे रही हूँ, देख लेना कितना सामान, कितना सामान पड़ा है, सारा उठाना पड़ेगा मेरे को। क्या कर सकते हैं, करते हैं स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये देखो ये सारे कपड़े हैं, इनको भी मेरे को तय लगाना है। देख लो देखने में कितने ज्यादा लग रहे हैं, मैं सामने देख रही हूँ इसको रियल लाइफ में। सो क्या कर सकते हैं, चलो करो फिर। सो गाइज मैंने फाइनली कपड़े तय लगा लिए हैं। सो अभी बहुत अच्छा लग रहा है इतने सारे कपड़े तय लगा के, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है, मेरे को लगा था देखने पे कि बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा बट नहीं लगा, तो अभी हो चुके हैं तय। दिखाती हूँ आपको। सॉरी मेरे को इतने सारे कपड़े तय लगा के, कपड़ों को इनकी इनकी जगह पे रखते हैं। सो सबसे वैसे एक बात बताऊँ सीक्रेट, कि जो ये कपड़े थे जितने फैले हुए थे उसमें सारे आधे से ज़्यादा कपड़े मेरे ही थे। सो अभी मैं किसी को डिस्क्लोज नहीं करूँगी, ये टू थ्री तो मेरे को फिर से डांट पड़ेगी। पहले भी पड़ती थी तो मैं चिढ़ जाती थी कि मेरे कपड़े तो है नहीं है बीच में, अब मैंने कपड़े तय लगाए तो पता चल रहा है। ये देखो एक पूरी लाइन मेरी है कपड़ों में। सो अभी मुँह छुपा के रखती हूँ, किसी को बताऊँगी नहीं। फाइनली अभी अपना इतना टाइम लगा के टेबल भी सेट कर लिया, बहुत टाइम लगा, मैं तो सिर दुखने लग गया इतना काम किया मैंने। सो अभी टेबल भी सेट कर दिया, बहुत बहुत ज़्यादा इस पर वो फैला रखा था सामान, अभी देखते ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है वीडियो देख तरह से। सोच लो कितना काम किया होगा मैंने, चेयरें भी खाली कर दी, सब कुछ सेट कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया। फाइनली इतनी देर बाद मैंने अपने पूरे रूम की सेटिंग कर दी है और बहुत अच्छा लग रहा है ये इसलिए तुम्हें। सो इतनी देर बाद सेटिंग की है तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को अपना रूम, बहुत बिल्कुल खाली खाली लग रहा है। दिखाती हूँ ये स्टडी टेबल और ये मेरा बेड, कितना अच्छा लग रहा है पूरा रूम, न्यू ईयर के लिए तैयार हो चुका है ये। और ये हूँ मैं। गाइस मैं सोच रही थी अभी थोड़ा इतना काम किया तो थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होगी, तो थोड़ा कॉम्प्लेन है यहाँ पे कुछ पी लेते हैं। सो अभी दूध पीते हैं, चलो। गैस पे मिल्क रखा है बॉयल होने के लिए। सो तब तक मैंने सोचा मम्मा के साथ थोड़ी कन्वर्सेशन कर लेते हैं। सो मम्मा भी अभी आए हैं ऑफिस से। मम्मा आपने देखा मैंने रूम सेट कर दिया पूरा अपना, मैं अभी देखती हूँ। बहुत अच्छा सेट किया है मैंने रूम, बहुत टाइम लगा सेट करने में रूम, पक्का आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है वेरी गुड। फिर इसका वो क्या दोगी आप मेरे को रिवॉर्ड, इतना काम करने का? वो भी तो सोचना पड़ेगा, जो बोलेगी वही बना के दूंगी। बना के नहीं मजा आता अभी तो, मैं अभी कुछ खाने का मन नहीं है,
इसका कल बताऊंगी। अच्छा ठीक है, कल बना दूंगी। अच्छा अच्छा कल वैसे भी न्यू ईयर है तो अच्छा तो बनना ही था। सो अभी हमारा न्यू ईयर का एक नया प्लान है कि हम कुछ ट्रांसफॉर्म करेंगे रूम को। सो अभी देखना आप वो न्यू ईयर एंजॉय करेंगे, बहुत सारे एंजॉय करेंगे। स्टे ट्यून्ड। अभी 10 o'clock हो रहे हैं, देखो इसकी फिर से स्टार्ट हो गई है पागलों वाली हरकतें, सुन ही रहो। सो अभी क्या कहते हैं, मैं ना वो हो गया, टाइम ज्यादा हो गया 10 o'clock, तो अब मैं सोने लगी हूँ। बाकी मैंने अभी डिनर भी कर चुकी हूँ। डिनर में हमने खाए थे मिक्स वेज वाला तड़के के साथ, क्या था, हाँ नमकीन चावल थे मिक्स वेज के तड़के के साथ, नहीं कुछ नाम क्या था मुझे याद नहीं है, पुलाव, हाँ वो बनाया था, तो वो बहुत टेस्टी था, तो हमने वो खा लिया। सो अभी मैं सोने लगी हूँ, टाइम ज्यादा हो गया। सो मिलते हैं आपको, अगर अच्छा लगा है ये आपको ये वाला ब्लॉग, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल दैट टाइम बाय।